नमस्कार दोस्तों, गीता का श्लोक है कि यद्यदा चैत शेष सतत्व देवेत्रो जना सायत प्राण कुत्ते लोका सदन होते, यानी श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करते हैं अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं, वो जो कुछ प्रमाण कर जाते हैं समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुरूप बरतने लगते हैं। लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए आपको अपने काम से अपने वक्त से प्यार होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में वही लोग जाने गए हैं अपने काम के लिए जाने गए हैं, हजारों वर्षों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं और अपने उदाहरण का स्रोत बनते हैं। आपको भी अगर उदाहरण का स्रोत बनना है तो आपको भी अपने काम को पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी से करना हो तो आज ही शपथ लीजिए कि हम अपने काम को पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा से करेंगे, क्योंकि आप अपने आप से झूठ कब तक बोलोगे। आप इस देश के युवा हैं और आपके कंधों पे पूरे देश की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन शो चैनल एसबी प्लस में। स्पीड टाइम डिस्टेंस के टॉपिक में हम टाइप नंबर 6 तक पहुंच चुके हैं और आज टाइप नंबर 6 आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। टाइप नंबर 6 का देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आंशिक चाल पे आधारित है। मैं को अपनी सामान गत की 6/7 गज से चलते हुए किसी दूरी को तय करने के लिए 12 मिनट अधिक लगे, तो उस दूरी को सामान्य तब मैं को तय करने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल ही ओरल क्वेश्चन है। कैसे ओरल है बताइए। 6/7 गत दिया है। क्या गत दिया है? 6/7। 6/7 गत का मतलब है जब इस तरह फ्रैक्शन में कोई मान लिखा रहता है तो ये जान लीजिए कि जो नीचे वाला यानी हर वाला भाग होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी जो उसकी सामान्य चाल रही होगी वो 7 रही होगी और जो घटी हुई चाल है क्या है? नई चाल है, वो 6 है चाल। 6 उसकी चाल क्या है? नई चाल है। इस बात को आप लोगों को समझना होगा कि नई चाल क्या है, 6 उसकी नई चाल है और पुरानी चाल क्या रही होगी? 7 रही होगी। तो हम आपको पहले ही टाइप नंबर 1 से सिखाते आए हैं कि समय का जो अनुपात होता है वो समय का अनुपात क्या होता है? चालों के अनुपात के उल्टा होता है, या चालों का अनुपात समय के अनुपात के क्या होता है? उल्टा होता है। तो अगर गति 6/7 है, यानी गति 6 है, 6/7 भी लिख सकते हैं इसको, 6 या 7, मतलब 6/7 का मतलब पहली नई गति क्या है? 6 है, पुरानी गति क्या है? 7 है। तो टाइम क्या लगेगा? टाइम क्या लगेगा? टाइम 7 और 6 लगेगा। यानी पहला अगर स्पीड क्या होगा, पहला स्पीड अगर 7 रहा होगा, यशवंत 7 रहा होगा, तो T1 क्या रहा होगा? 6 रहा होगा। यानी जस्ट इसका क्या होगा? विपरीत होगा। इस चीज को आप लोगों को समझना होगा। और कह रहा है कि उस दूरी को तय करने में 12 मिनट अधिक समय लगते हैं। 12 मिनट क्यों समय लगते हैं? क्योंकि इनकी गति में एक का अंतर है या नहीं है बताइए। यही गति में जो एक का अंतर है, स्पीड में एक का अंतर है, उसी कारण तो 12 मिनट अधिक लग रहे हैं बताइए। उसी कारण तो 12 मिनट अधिक लग रहे हैं। यानी पहली चाल जो यशवंत चाल रही होगी वो 6 रही होगी और S2 चाल यानी घटी हुई चाल क्या होगी? 7 रही होगी। और समय क्या लगा है? ये समय क्या है? ये आपका समय उल्टा है, यानी कहेंगे मतलब ये S2 हो गया समय, ये और सॉरी T1 समय ये हो गया, ये T1 समय और ये क्या समय है? T2 समय। तो यानी गतियों का जो अंतर है वो एक का अंतर है और यही एक का अंतर ही तो आपका 12 मिनट के बराबर है। एक का अंतर ही तो 12 मिनट के बराबर है। जब एक का अंतर 12 मिनट के बराबर है और आपसे पूछ रहा है कि सामान्यतः मैं को तय करने में कितना समय लगेगा, बताइए सामान्य गति क्या है? सामान्य गति 7 है और सामान्य गति से चलने में समय कितना लग रहा है आपका? 6 समय लग रहा है। तो 6 बराबर क्या होगा आप बताइए? 6 बराबर 12 = 72 मिनट। यानी अगर सामान्य गति से वह चलता है तो कितना समय लगेगा? 72 मिनट। इस बात को आप लोग समझ पाए? बस ये फ्रैक्शन मेथड है, ठीक है। यानी भिन्न में क्या दिया है? 6/7 गत दिया है, यानी पहले गत रही होगी 7 रही होगी, अब नई गत क्या हुई होगी? 6 गत रही हुई होगी। यानी फ्रैक्शन में मान तो समझते ही है कि अगर कुछ भी लिखा है तो अंश में जो लिखा रहता है वह नया या परिवर्तित मान रहता है और जो हर में लिखा रहता है वह उसका क्या? वह उसका मूल मान होता है। तो 6/7 का मतलब कि पहली गत क्या रही होगी? 7 गत रही होगी और घटी हुई गत क्या हुई होगी? 6 उसकी घटी हुई गत रही होगी। और आप जानते हैं कि समयों का चालों का अनुपात समयों के अनुपात के उल्टा होता है, यानी समय क्या लगा होगा? 6/7 समय है तो स्पीड है और समय क्या होगा? 7/6 हो जाएगा। यहां तक तो आप लोगों को बात क्लियर हो गया होगा। अब यही कह रहा है जो गतियों का अंतर एक है उसी एक के अंतर के कारण कितने लग रहे हैं? 12 मिनट अधिक लग रहे हैं। यानी गति में जो एक का अंतर है, यानी पहले 7 गत थी, अब 6 गत है, उसी के कारण जो है समय कितना ले रहा है? ये 7 ले रहा है, ये 6 ले रहा है। यानी समय में कहने मतलब देखिए अगर समय में कितना अंतर है, एक का अंतर यहाँ समय में है, यानी स्पीड में जो एक का अंतर है, एक के अंतर के कारण समय में अंतर पाया गया और समय में जो अंतर है उसी एक के कारण क्या लगा है? 12 मिनट ज्यादा या कम लगे हैं, वही तो लगा है, वही तो अंतर 12 मिनट का पाया जा रहा है। तो सामान्य आपसे सामान्य समय पूछ रहा है तो सामान्य
गत कितना है? 7 है। सामान गत से चलने में समय कितना ले रहा है? 6 समय ले रहा है। तो 6 समय ले रहा है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 12 × 6 = 72 मिनट। ये आपका मेथड 1 है। अगर आपको मेथड 2 से जानना है कि मेथड 2 से कैसे लगाएंगे, तो बहुत पुराना आंसर आप लोग इसका जानते हैं। इसमें एक चीज देखें तो दूरी कहने मतलब सेम केस है, यानी घटी हुई और बढ़ी हुई चाल में दूरी तो समान ही तय करना रहता है, यानी वही दूरी पहले भी तय करना है, वही दूरी आज भी तय करना है। यानी अगर उसे घर से ऑफिस पहले जाना था तो घर से ऑफिस आज भी जाना है, बस क्या करना है स्पीड में ही तो अंतर है। तो अगर दूरी बराबर होता है तो हमने बताया था कि चालों का अनुपात समयों के अनुपात के उल्टा होता है, या यूं कहें कि S1T1 बराबर क्या होता है? S1T1 बराबर S2T2। इतना तो आप लोग जानते हैं कि S1T1 बराबर क्या होता है? S2T2। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि चाल मतलब पहला चाल क्या रहा होगा, मान लीजिए पहला चाल यस रहा होगा और चाल उसके साथ समय क्या रहा होगा? टी। यानी चाल यस रहा होगा और समय क्या रहा होगा? टी रहा होगा। और दूसरे केस में क्या हो जा रहा है? कह रहा है 6/7 समय लग रहा है, चाल क्या कर रहा है? 6/7 कर ले रहा है। यानी जो है समय स्पीड क्या है? यस है। यस का क्या समय, यस का चाल क्या है? 6/7 यस हो जा रहा है, 6/7 यस हो जा रहा है। और समय क्या हो जा रहा है? इनटू समय में देखिए कि 12 मिनट कितने लगते हैं? अधिक लगते हैं। तो 12 मिनट अधिक लगने के कारण मतलब पहले समय टी लगता था, 12 मिनट ज्यादा लगते हैं, यानी T+12 हो गया। यानी कहने मतलब स्पीड यस, समय टी लग रहा है, बाद में क्या हो जा रहा है? समय घट के क्या हो जा रहा है? 6/7 समय हो जा रहा है। यानी यस का कितना? 6/7 भाग हो जा रहा है, इंटू 12 मिनट अधिक ले रहे हैं तो T+12 हो जाएगा। इसमें अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? वही टी बराबर कितना आ जाएगा? T = 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? T = 72 मिनट। समझ में आया बात को? T = कितना आ जाएगा? 72 मिनट आ जाएगा। चाहे ऐसे लगा सकते हैं, चाहे ऐसे लगा सकते हैं, जो समझ में आए। लेकिन इस चीज को जो आप लोग समझ जाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये भी अच्छा है लेकिन कहने मतलब ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, परीक्षा में इसी मेथड से करने लायक होता है। बस इस बात को अगर समझ जाएंगे तो आप लोगों को ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखेंगे जैसे 6/7 लिखा है, आप अंतर करेंगे और डायरेक्ट मान को फाइंड कर लेंगे। बस इतना जानना है कि समय उसका उल्टा होता है। यानी अगर आप जिसका मान निकाल रहे हैं, जैसे 7 बराबर है तो 7 सामान्य गत 7 है तो आपका 6 का मान निकालना पड़ेगा। ये बात को समझना पड़ेगा क्योंकि समय क्या लगता है उसमें उल्टा लगता है। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए और अच्छे समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं तेजी से। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को और अच्छे समझ में आएंगे, समझेंगे आप बिल्कुल समझेंगे, एक एक क्वेश्चन मजबूती समझेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी सामान चाल की 3/4 चाल से चलकर कुबेर अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो कुबेर का सामान चाल से चलने पर कार्यालय कितनी देर में पहुंचेगा? अब देखिए इसमें समय, देखिए समय कितना लग रहा है और टाइम, समय टाइम का जैसे उल्टा होता है तो स्पीड जो है, स्पीड क्या है? स्पीड देखिए, स्पीड यानी चाल 3 और 4 दिया है। यानी पहली चाल क्या रही होगी? पहली चाल रही होगी 4 रही होगी। अरे 3/4 का मतलब क्या है कि स्पीड क्या रही होगी? 3/4 का मतलब कि स्पीड जो है, पहली स्पीड 3 रही, पहली स्पीड 4 रही होगी और घटी हुई स्पीड क्या है? 3 घटी हुई स्पीड है। और अगर समय देखें तो समय क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। समय जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। और समय में अंतर कितना पाया जा रहा है? 1 मिनट का पाया जा रहा है। कितना मिनट का पाया जा रहा है? चालों में अंतर 1 का है, उसी के कारण जो है समयों में अंतर पाया जा रहा है। और समय में अंतर कितना है? 1 का अंतर है, और उसी 1 के अंतर के कारण, 1 के अंतर कारण कितना विलंब पहुंच रहा है बताइए? 20 मिनट विलंब पहुंच रहा है। यानी कहें मतलब कि जो अंतर इसमें, यानी चालों की जो कमी हुई है, 1 की चाल की कमी हुई है, उसी के कारण समय में कमी हुई है और अनुपात में 1 की कमी है, उसी 1 की कमी के कारण जो है कहें मतलब 20 मिनट क्या हो रहा है? विलंब हो रहा है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी सॉल्व हो जाएंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे सामान पूछ रहा है कि सामान चाल क्या होगी? बताइए सामान चाल क्या होगी? आप खुद ही सोचिए सामान चाल क्या होगी। अगर सामान समय पूछ रहा है कि सामान समय, तो बताइए सामान चाल क्या है? 4 है, और 4 चाल से चलने में समय कितना ले रहा है? 3 समय ले रहा है। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 20 × 60 मिनट कह सकते हैं, 1 घंटा कह सकते हैं। 60 मिनट कह सकते हैं क्या? 1 घंटा कह सकते हैं। बात समझ में आई? यानी सामान चाल से चलने में उसे कितना समय लगेगा? 1 घंटा लगेगा। सामान चाल से चलने में उसे कितना समय लगेगा? 1 घंटा लगेगा। बात को समझ में रहे हैं आप लोग? और अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिटी बस अपनी सामान चाल की 5/7 चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है,
तो सिटी बस की सामान चाल कितनी होगी? देखिए सामान चाल बराबर क्या दिया है, चाल बराबर क्या दिया है यहाँ पे, 5/7 दिया है। चाल क्या दिया है, 5/7 चाल दिया है। सिटी बस की सामान चाल 5/7 है, तो 5/7 समय है, तो आप तुरंत यस और टी लिखिए, यानी 5/7 अगर समय है तो 5/7 अगर स्पीड है तो समय कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/5, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि समय का अनुपात क्या होता है, चालों के अनुपात के उल्टा होता है, या यूं कहें कि चालों का अनुपात समय के अनुपात के क्या होता है, उल्टा होता है। यहां तक तो आप लोगों को बात क्लियर हो गया होगा। कह रहा है कि सामान चाल से चलने 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड, 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड लगता है। इसको आप जब पूरा सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6048 कितना आ जाएगा, 48 सेकंड, ये इसको अगर पूरे मान को सेकंड में चेंज करेंगे तो 6048 सेकंड आ जाएगा। फिर अगर उसी चीज को देखें तो यहाँ एक चीज समझने योग्य है, कह रहा 5/7 चाल से अगर चले तो अपने ऑफिस कितने देर में पहुंच जाएगा, 6048 सेकंड में पहुंच जाएंगे, 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड। यानी यहाँ बढ़ी या घटी हुई चाल की बात नहीं करता, यानी इतना देर से पहुंचता है, इतना विलंब से पहुंचता है, इस बात को यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे बात क्या कही है कि अगर वो कहने मतलब किस चाल से जाए, सामान मतलब 5/7 का मतलब कि पहले 7 रही होगी, अब चाल जो कहने मतलब हो गई है कितना, 5 चाल हो गई है, तो मतलब कहने मतलब चाल 5 हो गई है, तो चाल 5 होने पर समय कितना लग रहा है, 7 लग रहा है, और 7 का मान यहाँ पे दिया है 6048, ये विलंब का मान नहीं दिया है। कह रहा 5/7 चाल से चलने में इतना समय लगता है, पूर्णतः बताया गया है कि इतना समय लगता है, यानी पूरा 7 बराबर दिया गया है कितना, 6048 के, यानी चाल कितना, 5 चाल से चलता होगा, 5 चाल से चल रहा होगा तो समय कितना लग रहा है, 7, और 7 बराबर कितना है, 6048 के। अगर 7 बराबर 6048 के है तो सामान ही पूछ रहा है कि अगर सामान चाल से चले तो सामान चाल से चलने पर समय कितना लगेगा, समय 5 लगेगा, और 5 बराबर कितना हो जाएगा, 6048/7 × 5, 6048/7 × 5 हो जाएगा, यानी 4320 सेकंड कह सकते हैं, यानी 4320 सेकंड। ये बात समझ में आई, यानी 5 बराबर कितना हो जाएगा, 6048/7 × 5, यानी 4320 सेकंड, यानी सामान चाल से चले तो कितना समय लगता है, 4320 सेकंड लगता है। अगर 4320 सेकंड लगता है तो आपसे पूछ कह रहा है तो सिटी बस की सामान चाल क्या होगी, ये तो सामान समय हो गया लगता है, तो सामान चाल क्या होगी आपसे पूछ रहा है, तो सामान चाल क्या होगी बताइए। कुल दूरी कितनी है, 42 किलोमीटर की कुल दूरी है, और कितना समय लग रहा है, 4320 समय लग रहा है। देखिए किलोमीटर में दिया है और ये कितना सेकंड में दिया है, तो इसको घंटे में चेंज नहीं, यानी 60 × 60 से भाग दे देंगे, घंटे में चेंज हो जाएगा ये मान। जब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पहले चाल कितनी रही होगी, सामान चाल कितनी रहेगी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद जब 5/7 चाल कर ले रहा है, ठीक है 5/7 चाल कर ले रहा है, तो चाल कितनी रही, पहले चाल अलग थी, उसके बाद में क्या हुई, अब चाल कितनी है, सामान चाल कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात समझ में आई कि कैसे निकला है, बस आप लोगों को यही करना है कि समय का अनुपात क्या होता है, चाल के अनुपात के उल्टा होता है, यानी चाल अगर 5/7 है तो समय कितना लगे, 7/5। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये समझने योग्य बात है, कह रहा अगर सामान चाल के 5/7 चाल से चले, यानी 5/7 चाल के, यानी नई चाल की बात कर रहा है, तो नई चाल 5 है इसमें, यानी 5 चाल से चल रहा है, तो उसे समय कितना लग रहा है, 6048 समय लग रहा है। तो समय 6048 लग रहा है, तो समय का आकलन जो करेंगे समय के अनुपात से ही करेंगे, तो अनुपात 7 बराबर है, यानी 5 के जब रेशियो से चलता है तो समय कितना लग रहा है, 7 समय लग रहा है, और 7 बराबर कितना है, 6048 के, तो 5 बराबर कितना है। बहुत ही ज्यादा ओरल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, और कुछ में कुछ समझने योग्य बात नहीं है, और आगे आप लोगों को समझाते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे आपका अगला क्वेश्चन कहें मतलब समझिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी करते हैं, जिस मेथड से करना चाहे उससे करें, मेथड तो आप लोगों को दोनों बता दें। देखिए आप इसको अगर समझ जाएंगे, विश्वास मानिए अगर 2-3 बार इसको आप लोग कर लेंगे, मतलब अपने कॉपी पेपर पे 2-3 बार आप सॉल्व कर लेंगे, तो आप लोगों को इससे ज्यादा सिंपल और कोई क्वेश्चन ही नहीं लगेगा, इससे ज्यादा सिंपल, यानी ये रेशियो मेथड पे जो क्वेश्चन बेस्ड है उससे ज्यादा सिंपल और कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए कि एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल की
7/11 चाल से चल के किसी स्थान पे 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल से चले तो कितने समय पहुंचेगी। अब देखिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं, सेम क्वेश्चन है, तो यानी आप तुरंत ऐसे यस और टी सोचिए। यस और टी क्या कह रहा है कि 7/11 स्पीड दिया है तो समय कितना लगेगा, 11/7 लगेगा। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया, 7/11 समय लग जाएगा। बताइए कह रहा है अपनी सामान चाल की 7/4 चाल से चल के, यानी सामान चाल की 7/11 चाल से चल के, यानी 7/11 चाल से चल के कहने मतलब की नई चाल की बात कर रहा है। तो नई चाल 7 है, नई चाल कितनी है 7, समय कितना लग रहा है नई चाल में 11 समय लग रहा है। और 11 बराबर डायरेक्ट दिया है 22 घंटे दिया है कि नहीं, यानी 11 बराबर 22 के दिया है। आप खुद ही पढ़िए कितने समय में इतनी चाल से चल के 22 घंटे में पहुंचती है। यहां भी विलंब की बात नहीं की जा रही, जब विलंब की बात की जा रही है कि इतना मिनट पहले पहुंचता है इतना मिनट विलंब पहुंचना है, तब इनके अंतर लिया जाता है, तब इनका अंतर लिया जाता है। यहाँ पे बात तो एग्जैक्ट समय में पहुंचने की, इतने घंटे में पहुंचती, तो इतने घंटे मतलब की टोटल मान के बराबर है ना, यानी 11 बराबर 22 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 के, 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 के। तो आपसे यही पूछा कि सामान समय में बचत कितनी हुई, तो सामान समय में कितना लगता है 7 लगता है, तो 7 × 14 यानी 14 घंटे लगता है। सामान चाल से चले तो 14 घंटे लगता है और समय की बचत पूछ रहा है, तो समय की कितना बचत होगी बताइए, समय बचत बराबर कितनी होगी, पहले 22 घंटे लगते थे अब 14 घंटे लगते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 × 2 = 8 यानी 8 घंटे की बचत, ये आपके आंसर होगी। समय की बचत पूछ रहा है तो समय की बचत कितनी होगी 8 घंटे के बराबर हो। देखिए रेशियो इनवर्स कितना सिंपल है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस समझ जाइए, ये भी नहीं करना है, ये तो क्वेश्चन में दिया ही रहता है, बस आप लोगों को सोच लेना है कि ऐसे होता है। एक बराबर मतलब कहने मतलब बिल्कुल ही ओरल आप लोगों को आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आप लोगों को बताना चाहेंगे अगला क्वेश्चन बताना चाहेंगे टाइप नंबर सेवन का। देखिए आगे ये है आपका टाइप नंबर सेवन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से साइकिल चलाते हुए ठीक समय पर स्कूल पहुंच जाता है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से साइकिल चलाता है तो वह 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर दूरी साइकिल चलानी पड़ती है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए आप लोगों को दोनों मेथड से इसको भी क्वेश्चन समझाते हैं, दोनों ही ओरल मेथड है, समझ जाइए। पहला मेथड वन देखिए, मेथड वन आप रेशियो मेथड अगर समझ जाएंगे तो इससे सिंपल मेथड कोई नहीं है, इससे सिंपल मेथड कोई नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों की अलग अलग चालें दी हैं, तो चाल क्या है, पहले की चाल देखिए यशवंत चाल और S2 चाल देखिए, यशवंत चाल पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोबारा चाल कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15 और समय अगर S2 है तो समय क्या हो जाएगा T1/T2, यानी चाल S1 S2 है तो समय कितना लगेगा T1/T2, यानी अगर चाल S1 है तो समय क्या है, समय यहाँ T2/T1 हो जाएगा, देखिए T2/T1 हो जाएगा, समझ रहे हैं बातों को, यानी अगर समय स्पीड S1 = 2 है तो स्पीड और समय T1 = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस बात को समझिएगा क्योंकि इसका जस्ट क्या होता है उल्टा होता है। बस जैसे ही इस बात को समझ गया तैसे ही मान तो प्राप्त हो गया, यानी अब देखिए कि वह जो है पहली चाल से चलता है और दूसरी चाल से चलता है, दोनों चाल से चलने में जो समय का अंतर हो रहा है कितने मिनट का हो रहा है 12 मिनट का हो रहा है, यानी समय का अंतर कितना है रेशियो में, समय का अंतर कितना है 1 का, 2 में से मतलब 3 में से 2 गए 1, और 1 बराबर कितने मिनट के है 12 मिनट के बराबर है, 1 बराबर कितने मिनट के है 12 मिनट के बराबर है। तो आप बताइए आपसे क्या पूछ रहा है कि स्कूल पहुंचने के लिए दूरी पूछ रहा है, तो दूरी पूछने के लिए चाहे 2 मान निकाले चाहे 3 मान निकाले, बस आपको मान निकाला, जैसे मान लीजिए हम 3 बराबर निकालते हैं तो 3 बराबर कितने 36 मिनट के बराबर हो जाएगा, 3 = 36 मिनट के बराबर हो जाएगा, दूरी निकालना है तो बताइए 36 मिनट कौन सी दूरी निकला है, 3 = 36 यानी ये 3 T1 निकला है, T1 के लिए समय कितना मतलब समय T1 है तो स्पीड क्या है स्पीड 10 है, यानी दूरी बराबर क्या होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी चाल 10 है और समय कितना ले रहा है 36 मिनट ले रहा है, समय कितना ले रहा है 36 मिनट, ये मिनट में है तो इससे 60 से क्या देंगे भाग दे देंगे जिससे क्या हो जाए घंटे में हो जाए, ये घंटे में हो जाए यानी 10 कट गया 6 × 36 यानी कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। और अगर आप क्या करते हैं, अगर आप मान लीजिए
दूरी इससे नहीं बल्कि तीन बराबर दो बराबर निकालते हैं तो दो बराबर कितना हो जाएगा, दो बराबर बारह दूनी चौबीस, चौबीस मिनट के हो जाएगा तो दूरी कितना हो जाएगा, चौबीस मिनट ले, चौबीस मिनट दूरी ले रहा है तो चौबीस बटा क्या हो जाएगा साठ हो जाएगा और इंटू चौबीस बटा साठ का मतलब समय हो जाएगा और स्पीड क्या है, स्पीड तो पंद्रह हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी पंद्रह हो जाएगी, तब भी आपके कट के क्या आ जाएगा छह किलोमीटर। आप चाहे जिससे निकाले आंसर दोनों वही आएगा किलोमीटर, छह किलोमीटर। बात को समझ रहे हैं आप लोग, बात को आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं बताइए। यहाँ पे यही दिया है, पहले स्पीड दिया है दूसरे स्पीड दिया है तो स्पीड यानी 10 बटा 10 और 15 हो गया, अनुपात का निकल के आया 2:3 निकल के आया तो समय उसका जस्ट उल्टा होगा। बार बार आप लोगों को समझाते रहे हैं, बार बार आप लोगों को बताते हैं कि चालों का अनुपात समयों के अनुपात के क्या होता है उल्टा होता है, चालों का अनुपात समयों के अनुपात के क्या होता है उल्टा होता है। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, इस बात को आप रट लीजिए, बाकी सब चीज सेम होता है, बाकी सेम होता है दोनों केस में, बस यही एक केस में क्या होता है चालों का अनुपात समयों के अनुपात में क्या क्या होता है उल्टा होता है। इस बात को आप रटे रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस उसे सिंपली सॉल्व हो जाता है। अब मेथड टू से हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, देखिए मेथड टू से कैसे लगाएंगे। पहले कह रहा है मान लीजिए यही होगा कि दूरी दोनों केस में समान चल रहा है, दूरी समान चल रहा है तो S1T1 बराबर क्या हो जाएगा S2T2 हो जाएगा। पहले केस में क्या है, पहली चाल क्या है, पहली चाल 10 है, 10 के स्पीड से जाता है तो समय कितना, 10 मतलब किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है तो समय क्या है, ये समय आप लोगों को ज्ञात करना है, यही तो समय पूछा गया है तो ये समय ज्ञात करना है, मतलब समय तो ज्ञात ही करना है, दोनों केस में समय ज्ञात करना है। और स्पीड टू कितना है, स्पीड टू 15 किलोमीटर और समय कितना ले रहा है, कह रहा है समय तब क्या ले रहा है, मतलब पहले 10 के स्पीड से जाता था तो टी समय लेता था, 15 के स्पीड से जा रहा है तो कितने देर पहले पहुंचता है तो 12 मिनट पहले पहुंचता है, यानी जो समय टी था उससे 12 मिनट पहले पहुंच गया, यानी टी माइनस 12 हो गया, टी माइनस क्या हो गया 12 हो गया, यानी क्या हो जाएगा 10t बराबर 15t और माइनस क्या हो जाएगा 12 गुणे 15 हो जाएगा, यानी जब इधर इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 5t बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 15 तो टी बराबर क्या हो जाएगा 5 × 5 = 15 और 12 × 3 क्या हो जाएगा 36, 12 × 3 क्या हो जाएगा 36, यानी 36 मिनट निकल के आया, यानी समय टी बराबर 36 निकल के आया। बस इसे मान रख दीजिए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा समय, डी बराबर क्या होता है, यानी दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय होता है, चाल 10 है, चाल 10 है और समय कितना है, समय टी बराबर 36 निकल के आया, 36/60 कर दीजिए कितना आ जाएगा मान, आप बताइए कट के वही पुनः आ जाएगा कि नहीं 6 किलोमीटर। यानी चाहे आप इस मेथड से लगाना उचित समझे, चाहे इस मेथड से लगाना उचित समझे, दोनों मेथड से आप लोगों को बता दिए हैं, जो भी मेथड करें मतलब समझ में आए उस मेथड से आप लोग क्या कीजिए लगा लीजिए। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा समझ में आए, ये आपका रेशियो मेथड है, ये आपका दूसरा मेथड है, मतलब दोनों मेथड से आप लोग जो कहें वैसे बहुत ज्यादा सिंपल ये मेथड है और ये भी सिंपल है, बस आप लोग समझने की बात है, दोनों सिंपल है, जो भी समझ में आए वही सिंपल है, समझ रहे हैं बात को। इस पे और क्वेश्चन आज हम नहीं बताना चाहेंगे, इस पे और क्वेश्चन हम सोच रहे हैं कल बताएं, टाइम नंबर 7 के और क्वेश्चन आप लोगों को कल डिटेल में समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग एक काम कीजिए इस वीडियो को तुरंत ही चारों तरफ कोरोना वायरस की तरफ फैला दीजिए, एकदम शेयर कर दीजिए, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी ग्रुप नहीं छूटना चाहिए, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी फेसबुक ग्रुप, कुछ भी छूटना चाहिए, हर जगह आप लोग शेयर करने की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम पूर्वक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।